मनोज स्थापक देवास इंदौर से हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर था और आज मैं आपको एक एमबीए बिजनेस प्लान की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। एमबीए बिजनेस क्यों करना चाहिए, एमबीए बिजनेस की क्यों जरूरत है, ये बिजनेस कैसा है, इस बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है, आज मैं इसकी सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले कि व्हाई डू दिस बिजनेस, हमें इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, मैं आपको सबसे पहला कारण बताऊंगा कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। हम सभी लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं और मध्यम वर्गीय लोगों के पास सब कुछ होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत धर्म अनुयायी होते हैं, इनमें सारी क्वालिटियां होती हैं। आज जितने भी लोग हैं, आज जितने भी, इनको मैं किंग मेकर समाज कहता हूँ, मध्यम वर्ग माने किंग मेकर समाज, आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आज जिनने पीएससी में टॉप किया, जिनने आईआईटी में टॉप किया, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, आज ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय थे और आज निकल के समाज में नाम किया है। तो नो डाउट कि मध्यम वर्ग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत कर्मठ, बहुत ही समाज है, लेकिन इन लोगों के पास दो चीजें कभी नहीं होती। पहली चीज, इनके पास टाइम नहीं होता है और दूसरी चीज, इनके पास पैसा नहीं होता है। इसलिए ये समाज एक जगह आके फंस के रह जाती है और आगे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास समय और पैसा ना होने के कारण ये अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं और अपने अंदर ही अंदर एक मन में उनकी टीस रहती है कि मुझे कुछ मौका मिलता तो मैं कुछ बहुत बड़ा करता, लेकिन इनके पास दो चीजें इनके लिए हमेशा रुड़ा रहती है। पहली चीज होती है कि हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं होता है और दूसरी पास इनके पास बनी नहीं होती है। इन दोनों चीजों के कारण ये समाज दिन प्रतिदिन अपने एक सांचे में आके अटक जाता है, एक आंकड़े में आके अटक जाता है। चलो ठीक है, मध्यम वर्गीय समाज था, ऐसा नहीं कि मैं ही मध्यम वर्गीय हूँ, मेरे दादाजी भी मध्यम वर्गीय थे, मेरे पिताजी भी मध्यम वर्गीय थे और मैं भी मध्यम वर्गीय हूँ, तो मुझे ही कुछ और करने की जरूरत क्यों पड़ गई, इन लोगों ने पहले कुछ क्यों नहीं किया, इनने कुछ पार्ट टाइम और कुछ क्यों नहीं किया, हमें करने की जरूरत क्यों है। आज का जो मुद्दा है वो यही है कि हमें इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, हमें कुछ और करने की जरूरत क्यों है। तो मैं बताता हूँ आपके लिए, मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास आने वाले सन 2030 में इंडिया से खत्म हो जाएगा। इंडिया में सिर्फ दो प्रकार के लोग रह जाएंगे, पहली हाई क्लास फैमिलियां और दूसरी लोअर क्लास फैमिलियां, मध्यम वर्ग के बीच से गायब हो जाएगा। हाई क्लास फैमिलियां जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें खुद ही नहीं मालूम कितना पैसा है, और दूसरी लोअर क्लास फैमिली, इनके पास बेहद पैसे की कमी रहेगी, ये पैसा कमाएंगे, इनकी पत्नी पैसा कमाएगी, इनके बच्चे पैसा कमाएंगे, फिर भी इनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी, ये 24 घंटे हाई पैसा और जब अपने आप में होश आएगा तो जहां थे वहीं पाएंगे अपने लिए। ऐसा कैसे हो जाएगा, इसका एक मैं कारण बता रहा हूं, कुछ आपको आंकड़े बताऊंगा, वो आंकड़े हमें बताते हैं कि आज हमें कुछ करने की जरूरत है। सब मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर एक आंकड़ा आया था और बताया गया था कि 1940-50 के दशक में एक मध्यम वर्गीय परिवार 10 रुपए में आराम से चलता था, 10 रुपए की इनकम में एक मध्यम वर्गीय फैमिली आराम से अपने घर का गुजारा करती थी। 20 साल आगे बढ़े, 1960-70 में यह आंकड़ा बढ़ के हो गया 100 रुपए, और 20 साल आगे बढ़े 1980-90 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 1000 रुपए। 1980-90 के दशक में एक मध्यम वर्गीय परिवार का गुजारा 1000 रुपए में आराम से होता था, और 20 साल आगे बढ़े आज सन 2000-2010 में आज ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 10000 रुपए। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 10000 रुपए भी कम पड़ते हैं। यहां 20 साल आगे बढ़ रहा हूं तो यहाँ पर घर का खर्चा 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है। यदि यही क्रम रहा तो हमें नहीं तो हमारे बच्चों को फेस करना है सन 2020-30। सन 2020-30 में इन आंकड़ों के अनुसार एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर का खर्च करने के लिए लगभग 1,00,000 रुपए लगेगा। आज अभी हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि सन 2020-30 तक यदि उसी काम को करते रहे तो सन 2030 में हम अपनी पत्नी के हाथ में 1,00,000 रुपए इस बात के लिए देंगे कि किराने का, बिजली का, टेलीफोन का, गैस की टंकी का, बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, मोबाइल का, पेट्रोल का, डीजल का, फलाने का ढेका, इतने के लिए 1,00,000 रुपए लगेगा। आपका दिल क्या कहता है, क्या आप अपनी पत्नी को 1,00,000 रुपए दे पाएंगे? यदि आपका दिल कहता है कि ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो आज मैं आपको वो चीज, आज मैं आपको वो बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आप 9 महीने में 60 से 70 हजार रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं और 17 महीने में 30,00,000 रुपए साल की इनकम कर सकते हैं। लेकिन बात आके यहां तक जाती है कि हम लोगों के पास, हम मिडिल क्लास लोगों के पास ना तो समय है और ना ही पैसा है।
जैसे ही आपको ये मैं बोलता हूं कि 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख आएगा, तो आपके दिमाग में तीन बातें आती हैं। पहली बात आती है कि ये पैसा आएगा कहां से, दूसरी बात आती है कि इस पैसे को लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, और तीसरी बात आती है कि जेब में कैसे आएगा। तो मैं आपको एक एक करके तीनों चीजें बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहले बताऊंगा कि पैसा कहां से आएगा, दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि इस पैसे को लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, और तीसरी चीज है कि जेब में कैसे आएगा। तो बात करते हैं कि पैसा आएगा कहां से। अभी मैंने आपसे बात की थी कि हम सभी लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार में घर के गुजारे के लिए कम से कम 10 से 20 हजार रुपए खर्चा होता है। क्या बोलते हैं आप लोग, ये इनका ये खर्चा हम करते कहां है? देखा गया हम लोग अपना पैसा खर्च करने कहां जाते हैं, बाजार में। आज हम एक ग्राहक के नाते बाजार में अपना पैसा खर्च करने जाते हैं। बाजार में सामान कहां से आता है? कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं जो सामान बनाते हैं, बाजार में डाल देते हैं। जिस सामान को हम लोग 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, वो सामान बनता है मुश्किल से 30-40 रुपए। 30-40 रुपए का सामान था हमारे पास, आते आते 100 रुपए का हो जाता है, बीच का 60 रुपए बाजार में चला जाता है। इस 60 रुपए के कारण बाजार का एक आदमी लखपति बनता है, एक करोड़पति बनता है, एक अरबपति बनता है और एक खरबपति बनता है। हमारी कंपनी ने देखा कि जब 60 रुपए के कारण बाजार के लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, तो क्यों ना उस आदमी से बात की जाए जिसके 60 रुपए थे। 60 रुपए किसके थे? कस्टमर के। इनने कस्टमर से बोला कि देख भैया, तू 100 रुपए यहाँ खर्च करना था, 100 रुपए यहाँ खर्च करना। हम लोग 40 में सामान यहाँ बना रहे हैं, हम 40 में सामान यहाँ बनाएंगे। जो डीलिंग तुम बाजार से कर रहे हो, जो सामान तुम बाजार से खरीद रहे हो, यदि यही डीलिंग आप हमसे चालू करते हो, यही सामान यदि आप हमसे खरीदते हो, तो बाजार वाला 60 रुपए हम आपको रिटर्न कर सकते हैं। जिस 60 रुपए के कारण बाजार के लोग अमीर हो रहे थे, वो 60 रुपए यदि इस आदमी की जेब में आएगा, तो ये अमीर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाजार वाला पैसा हमारी जेब में आता है और हम इसी पैसे से अमीर बन जाते हैं। तो पहला प्रश्न था आपका कि पैसा कहां से आएगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इसे कहते हैं डायरेक्ट। आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जो आपको डायरेक्ट सामान देती है और सस्ते में सामान देती है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर है डायरेक्ट सेलिंग। अब बात करते हैं, आपका पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि पैसा कहां से आएगा, बाजार वाला पैसा आपकी जेब में आएगा। अब बात करते हैं कि 60 रुपए को लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये मिलेगा कैसे, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसा है ना ही हमारे पास टाइम है। तो मैं बात करता हूं कि करना क्या है। आज हर आदमी कहीं ना कहीं पैसे कमाने में ही लगा हुआ है। मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक मध्यम वर्ग का आदमी सुबह उठता है और 10 घंटे रोज काम पे जाता है, उस काम के पीछे मकसद सिर्फ पैसा होता है। जब वो 10 घंटे काम करता है तो उसको 7 घंटे आराम की जरूरत है, 7 घंटे आराम करता है, 3 घंटे उसको दैनिक क्रियाओं के लिए चाहिए, नहाना भी है, खाना भी खाना, पूजा पाठ भी करना है, तमाम चीजें करना है। रोज उसको दैनिक क्रियाओं के लिए 3 घंटे तो चाहिए। यदि देखा जाए तो एक मध्यम वर्गीय आदमी के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए रोज 20 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तब वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को सर्वाइव कर पाता है, जी पाता है। अब बचते हैं हमारे पास 4 घंटे। ये 4 घंटे कहां चले जाते हैं, ना आपको मालूम ना हमें मालूम। यदि इन चार घंटों को यूज किया जाए, इन 4 घंटों का सदुपयोग किया जाए और इनमें से 2-3 घंटे इस बिजनेस को दिए जाएं, और 2-3 घंटे देने से यदि आपको 9 महीने में 60 से 70 हजार रुपए की महीने की इनकम और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल का फायदा होता हो, तो ये 2-3 घंटे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपने बोला बिल्कुल देना चाहिए। यदि आपको लगता है कि 2-3 घंटे देने से 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख की इनकम हो सकती है, तो 2-3 घंटे देना चाहिए। लेकिन इन 2-3 घंटों में करना क्या पड़ेगा? इन 2-3 घंटे आपने देना चालू किया और इन 2-3 घंटों में आपको करना क्या है, मैं ये बताता हूँ। इन 2-3 घंटों में रोज आपको एक व्यक्ति से मुलाकात करना है, वो हाँ करे ना करे इससे कोई मतलब नहीं। आपने रोज 2-3 घंटे में एक व्यक्ति से मिलना चालू किया तो पूरे महीने भर में आप लगभग 30 लोगों से मिलने के चांस होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम रोज एक व्यक्ति से मिलने की ठान के निकलते हैं तो पूरे महीने भर में बड़ी मुश्किल से हम 24-25 लोगों से मिल पाते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज बताता है कि पूरे महीने में जब ठान के निकलते हैं हम, तो रोज एक व्यक्ति से मिलेंगे, 24-25 लोगों से मुलाकात होती है। इन 24-25 लोगों से मिले और इनसे क्या बात करना है वो मैं आपको बताता हूं, और आप अपने दिल से जवाब देना कि आपका उत्तर क्या है। दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से उत्तर देना है।
तो बात करते हैं हम कि 24 लोगों से आपने क्या बोला। आपने 24 लोगों से बोला कि देखो दोस्त, 9 महीने में आपको 60 से 70 हजार रुपए महीने की इनकम आ सकती है और 17 महीने में आपको 30 लाख रुपए साल की इनकम आ सकती है। देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं है, दुनिया की नंबर एक कंपनी है, गारंटी वाले प्रोडक्ट है और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। यदि आपके जैसा व्यक्ति यदि 24 लोगों से ये बोलता है कि 9 महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख साल की फायदा, दुनिया की नंबर एक कंपनी, गारंटी वाले प्रोडक्ट, तो आपका दिल क्या बोलता है? कितने लोग हाँ करेंगे, कितने लोग मना करेंगे? अधिकतर लोगों का जवाब ये है कि मनोज भैया, यदि मैं बात करूंगा तो 10 से 12 लोग हाँ करेंगे, बाकी के लोग मना भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल राइट उत्तर है और ऐसा ही होता है जब हम इस बिजनेस को करते हैं। लेकिन इसको हम बोलते हैं अच्छी स्थिति, गुड सिचुएशन। अपन वर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, बुरी स्थिति की बात करते हैं कि आपको 23 लोगों ने मना कर दिया, सिर्फ एक व्यक्ति ने हाँ की। आप 24 लोगों से बात करते हो तो एक व्यक्ति हाँ करेगा कि नहीं करेगा? आपका दिल क्या कहता है? बस एक व्यक्ति ने हाँ की, आपका काम हो गया। जिन 23 लोगों ने मना किया था, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खराबी यही है कि लोग मना कर देते हैं। लोगों को ये लगता है कि मनोज भैया और तो सब ठीक है, लोग मना कर देते हैं। जिन 23 लोगों ने मना किया था, ये इस बिजनेस की सबसे बुरी सिचुएशन और सबसे खराब चीज है। अधिकतर लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं करते हैं कि मनोज भाई लोग मना कर देते हैं। लोग मना क्यों कर देते? इस दुख को मैं खत्म कर दूं, इस समस्या का हल कर दूं कि लोग मना क्यों करते हैं, तो हो सकता है कि आप रिलैक्स हो जाएं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और आपने दिल से जवाब देना। ये जो इनकम है, ये 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल का पैकेज, ये जो इनकम है, क्या ये हर आदमी की किस्मत में? आपका दिल क्या बोलता है? हर आदमी किस्मत में 30 लाख रुपए साल की इनकम है और आपका दिल कह रहा है कि नहीं, ये इनकम हर आदमी की किस्मत में तो नहीं है। और जिसकी किस्मत में नहीं है वो मना नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो लोग मना कर देते हैं, लेकिन उनको आपको ये नहीं बोलना है कि तुम्हारी तो किस्मत खराब है, तुम क्या करोगे, है ना? आपको उनसे सहजता से लेना है कि कोई बात नहीं मेरे भाई, आप बिजनेस मत करिए, आप हमारे प्रोडक्ट देख लीजिए। आपने इनको डेमोन्स्ट्रेशन किया, इनको प्रोडक्ट दिखाए, इनको टच एंड फील करवाया। हमें, मैंने माना कि इन 23 में से 13 लोगों ने प्रोडक्ट के लिए मना कर दिया, सिर्फ 10 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा। एवरेज एक आदमी 1000 रुपए का सामान लेता है और आप पूरे महीने भर में 10000 रुपए का व्यापार करते हैं और एक आदमी को स्पॉन्सर करते हैं और उससे भी 10000 रुपए का सामान ऑर्डर करवाते हैं, तो आपको ये 60-70 हजार की इनकम है, ये आपको 7 महीने में आने लग जाती है। यदि आपको लगता है कि 1000 रुपए महीने का प्रोडक्ट हमारे लोग नहीं खरीद पाएंगे, लोग हमारे हैं, मैं जानता हूं मनोज भैया कि हर आदमी 1000 रुपए का सामान नहीं खरीद, कोई दिक्कत नहीं, आप 1000 से आधा कर दो, 1000 का आधा कितना होता है? 500। अपन मानते हैं कि हर आदमी ने 500 रुपए का सामान लिया और पूरे महीने भर में आपने 5000 रुपए का टर्नओवर किया और एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उससे भी 5000 रुपए का व्यापार करवा देते हो, तो आपको ये इनकम 60 से 70 हजार की इनकम 8 महीने में आने लग जाएगी। आपको लगता है कि मनोज भैया हमारे जो लोग हैं वो 500 का भी सामान नहीं लेंगे, वो लोग हमारे हैं, हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 500 का आधा कर दो, कितना होता है? 250 रुपए। आपने एक आदमी को 250 रुपए का सामान दिया, पूरे महीने भर में 2500 रुपए का व्यापार किया, एक आदमी को स्पॉन्सर किया, यदि उससे भी 2500 रुपए का व्यापार करवा दिया, तो आपको ये इनकम 60 से 70 हजार की 9 महीने में लग जाएगी। ये 3 स्टेप है दोस्त। यदि आपको ऐसी इनकम आने के चांस हो, 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख की इनकम आने के चांस हो, तो इनमें से कौन सा वाला आप कर सकते हो और लोगों से करवा सकते हो? पहला वाला 7 महीने करना है, 10000 रुपए का टर्नओवर करना है और एक आदमी से 10000 रुपए का टर्नओवर करवाना है, या दूसरा वाला 8 महीने करना है, 5000 का टर्नओवर खुद को करना है और एक आदमी से 5000 का टर्नओवर करवाना है, या तीसरा वाला 2500 का टर्नओवर आपको करना है और 2500 रुपए का टर्नओवर आपको करवाना है। तो अधिकतर लोग, जब मैं लोगों से पूछता हूं कि इनमें से कौन सा वाला आप कर सकते हो और लोगों से करवाने की क्षमता रखते हो, तो अधिकतर लोगों का जवाब आता है कि मनोज भाई ये वाला तो हम कर ही देंगे, हम 5000 रुपए महीने का टर्नओवर कर देंगे और एक आदमी को स्पॉन्सर करके उससे भी 5000 का टर्नओवर करवाने की क्षमता रखते हैं। कितने महीने? 8 महीने। लेकिन इसको बोलते हैं अच्छी स्थिति, गुड कंडीशन। अपन फिर बुरी स्थिति की बात करेंगे, वर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे कि मैंने ये वाला चुना 9 महीने का, कि आपने 250 रुपए एक व्यक्ति को दिया सामान और पूरे महीने भर में 2500 रुपए का व्यापार किया, एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उससे भी 2500 रुपए का ऑर्डर करवाया। कितने महीने? सिर्फ 9 महीने। आपने ये डिसाइड किया कि मनोज भाई यदि ऐसी इनकम आने के चांस है, 60 से 70 हजार और 30 लाख रुपए साल की इनकम आने के चांस है, तो मैं 9 महीने हर महीने एक आदमी को ADS ज्वाइन करवा सकता हूं और 10 लोगों को कस्टमर बना के उनको 250 रुपए का सामान देके 2500 का बिजनेस कर सकता हूं। ये आपका डिसीजन हो गया।
ये महीना कौन सा है, ये महीना कौन सा, अप्रैल, अप्रैल महीना था। आपको मालूम पड़ा कि दो तीन घंटे देखे, नौ महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख का फायदा हो सकता है। आपने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, ये आप थे, आपने डिसीजन लिया, आपने निर्णय लिया और आपने दो तीन घंटे देना चालू किए। इन दो तीन घंटों में आपने रोज एक व्यक्ति से मिलना चालू किया, रोज एक व्यक्ति से मिले तो पूरे महीने भर में आपने 24 लोगों से मुलाकात की। इन 24 लोगों में से कितने लोगों ने मना कर दिया, 23 लोगों ने मना कर दिया। ऐसा होगा नहीं लेकिन अपन मानते हैं कि ऐसा हो गया, 23 लोगों ने मना कर दिया, एक व्यक्ति आपके साथ स्पॉन्सर हुआ। आपने अपना 2500 रुपए का बिजनेस किया, 2500 का बिजनेस इससे करवा दिया, एक पहले महीने अप्रैल का काम फिनिश। अब बचे कितने, 8 महीने। अगला महीना कौन सा है, मई। मई में फिर वही काम किया आपने, कौन सा, फिर अपन ने 24 से बात की, 23 ने मना कर दिया, एक व्यक्ति फिर स्पॉन्सर हुआ। यही काम इसको सिखा दिया कि देखो दोस्त, एक आदमी को स्पॉन्सर करना है और 2500 रुपए का बिजनेस करना है, 9 महीने की बात है। इनने भी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया और हर आदमी ने अपना 2500 रुपए का बिजनेस कर दिया। मई के बाद कौन सा आया, जून, फिर वही काम, एक आदमी को स्पॉन्सर करना है और 2500 रुपए का बिजनेस करना है। जून के बाद कौन सा आया, जुलाई, फिर वही काम, एक आदमी को स्पॉन्सर करना है और 2500 रुपए का बिजनेस करना है। कितने महीने करना है, कितने महीने करना है, 9 महीने करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इसे कहते हैं टीम। और इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द टीम। एक टीम बनती है और उस टीम के थ्रू आपका डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है। तो करना क्या था, मैंने अभी बताया आपको, ये करना है, ठीक है दोस्त। और अगली बार में, अभी अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये 60% आपकी जेब में आएगा कैसे। आप ये देखना चाहते हैं कि पैसा हमारी जेब में कैसे आता है, तो आप अगली वीडियो देखें और उसमें बताऊंगा कि ये पैसा जेब में कैसे आता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, गुड नाइट, लव यू।